नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे चिकित्सा विभाग के द्वारा एक और बड़ी अपडेट की। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे जो साथी लगे हुए थे उसको लेकर ये अपडेट है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है यूटीपी पर जो भर्ती के माध्यम से लगे हुए थे, कोविड काल में जो यूटीपी के माध्यम से भर्ती हुई थी उसको लेकर पूरी अपडेट है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है। और साथियों, एसओजी ने भी जांच शुरू कर दी है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, दैनिक भास्कर जयपुर 7/11/2024 की अपडेट है। साथियों, हाई कोर्ट ने जोधपुर में यूटीपी भर्ती की जांच एसओजी को सौंपी, 3 माह में हो मांगी रिपोर्ट। तो साथियों, जो यूटीपी पे जोधपुर में भर्ती निकली थी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे, तो हाई कोर्ट ने जो यूटीपी पे नर्सिंग अधिकार लगे हुए थे उनकी जांच है वो एसओजी को सौंप दी गई है। सीएमएचओ ने 100 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की थी, लगे थे कई आरोप। और आपको पता है कि हमने पहले भी अपडेट दी थी कि यूटीबी के माध्यम से जो भर्ती हुई है जोधपुर में उस पर पहले भी कई आरोप लगे थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने जोधपुर सीएमएचओ द्वारा कोविड काल में की गई यूटीबी आधारित भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की जाँच एसओजी को सौंपने के आदेश दे दिए। तो साथियों, एसओजी को जांच है वो सौंप दी गई है। जो यूटीबी आधार पर 100 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती हुई थी, अब इसमें कितना फर्जीवाड़ा निकल के आता है साथियों, और जो नर्सिंग कर्मी लगे हुए हैं फर्जीवाड़े से उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करने के मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी की जांच कर 3 माह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिया है। तो 3 महीना दिया गया है जांच करने के लिए। हाई कोर्ट ने गुलाब सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। तो इसमें जो गुलाब सिंह है और अन्य ने याचिका लगाई थी तो उनकी सुनवाई पर यह आदेश दिया है। कोविड काल के समय सीएमएचओ जोधपुर ने यूटीबी आधार पर 100 नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की थी। भर्ती प्रक्रिया के चयन प्रोसेस को लेकर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इनके वेतन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अब याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पूर्व के आदेश में वेतन देने पर लगाई रोक को हटा दिया है। राज्य सरकार सीएमएचओ इन चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्य की गई अवधि के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र में यह नोट करना होगा कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी बोनस अंक देने का दावा करने के उद्देश्य वैध नहीं है। कोर्ट ने बैंकों में रेप को लेकर तो चयनित नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जांच अब एसओजी को दी गई है। पूरा मामला साथियों ये है कि जो यूट्यूब पे लगे हुए थे 100 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती हुई थी कोविड काल के माध्यम से अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर, उन पर एसओजी की जांच है वो बैठ गई है और 3 महीनों में जवाब मांगा है। यूटीबी आधार पर चयनित नर्सिंग कर्मियों की जांच, हाई कोर्ट ने कहा जितना काम किया उतना वेतन दिया जाए, वेतन रोकना व जब्ती करना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। कोर्ट कोविड काल में नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति, दरअसल कोविड काल के समय यूट्यूब आदि पर 100 नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नियमानुसार होकर इसमें अनियमितताएं पाई गई है। नर्सिंग कर्मियों पदों पर सेवाएं शुरू कर दी गई थी, याचिकाएं दायर होने पर कोर्ट ने इनके वेतन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अब याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पूर्व में आदेश वेतन देने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। साथियों, सैलरी पर भी रोक है वो लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं का चयन और नियुक्ति अवैध नियमित रूप से की गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य के साथ काम किया है,
इसलिए उनका वेतन राज्य सरकार द्वारा रोका या जब्ती नहीं किया जा सकता। उनके वेतन का भुगतान न करना या जब्त करना भारत के संविधान अनुच्छेद 23 के उल्लंघन होगा। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह चयनित सभी उम्मीदवारों को उनकी वास्तविक सेवा की पुष्टि करने के बाद आज से 3 महीने की अवधि के भीतर मानदेय वेतन का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि 21/5/2021 के आदेश द्वारा नियुक्ति सभी उम्मीदवारों की सेवा समाप्त करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगी। प्रतिवादी राज्य और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्ति आदेश दिनांक 21 के अनुसार प्रत्येक चयनित उम्मीदवार का कार्य की अवधि के लिए कानून के अनुसार अनुभव प्रमाण जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र में यह नोट होगा कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी बोनस अंक देने या दावा करने के उद्देश्य वैध नहीं है। क्या उम्मीदवारों की नियुक्ति चयन शून्य अवैध या अनियमित या इसलिए बोनस अंक का दावा करने का अधिकार मनीष कुमार परमार द्वारा दायर रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। दिनांक 21/5/2021 के अनुसार चयनित किसी भी उम्मीदवार के बोनस अंक प्रदान किए गए हैं और नियुक्ति की पेश की गई है तो यह रिट याचिका के परिणाम के अधीन रहेगा। उम्मीदवारों में ऐसे किसी भी उम्मीदवार की सेवाएं जो बोनस अंकों का दावा करते हुए चयनित हुए हैं न्यायालय की अनुमति के बिना नियमित नहीं की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आईटीएस और एसओजी को जांच करने और जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोषी व्यक्तियों के नाम 3 महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथियों जाँच है वो एसओजी को सौंप दी गई है। अब एसओजी जांच करेगी और 3 महीने के भीतर भीतर उनसे जवाब मांगा गया है और रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दीपेश बेनीवाल लोकेश कुमार माथुर ने पैरवी की। याचिकाकर्ता मेहता की एकलपीठ कक्ष गुलाब सिंह अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एसओजी को इस भर्ती की जाँच है वो सौंप दी गई है। साथियों एसओजी के द्वारा अब जो यूटीबी में भर्ती में गड़बड़ घोटाला हुआ था या बोनस अंक के चक्कर में जिन अभ्यर्थियों को लग गया था तो अब एसओजी के द्वारा ही जांच होगी और 3 महीने के भीतर भीतर है वो कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला गया। तो साथ ही अर्जेंट बेसिस पे ये भर्ती थी कोविड काल के माध्यम से। जब कोविड काल आया था तब नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई थी, सो नर्सिंग ऑफिसर को इसमें शामिल किया गया था भर्ती में। तो साथियों अगर आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है कि जो यूट्यूब पे अन्य ज़िलों में गलत तरीके से लगे हुए हैं तो आप भी एसओजी को शिकायत कर सकते हैं, एसओजी को रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों जो रात दिन मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं और कुछ है वो गलत तरीके से नौकरी लग जाते हैं तो आप भी उनकी अगर हो तो शिकायत करें एसओजी को। तो ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं ऐसी और नई प्यार से अपडेट के साथ फिर से नए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।